रांची में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी तो पुलिस पर सुरक्षा व्यवस्था की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। लिहाजा रांची पुलिस सतर्क है और फ्लैग मार्च कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई। वहीं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया ताकि रामनवमी को लेकर उत्साह के रंग में भंग ना हो। रामनवमी के रंग में रंगी राजधानी रांची में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। प्रशासन ने कसी कमर, चौकस है नजर। राजधानी रांची अब रामनवमी के रंग में रंग गई है, लिहाजा प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है। रांची में पुलिस हाई अलर्ट पर है और लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। इसी कड़ी में अल्बर्ट एक्का चौक से रतन टॉकीज तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें उपायुक्त और SSP के साथ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद रहे। रामनवमी को लेकर के हाई अलर्ट पर है राजधानी रांची एडमिनिस्ट्रेशन। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा जी। राहुल जी, रामनवमी को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं और आज फ्लैग मार्च भी आप लोग कर रहे हैं? हम लोगों ने काफ़ी समय पहले से ही इस त्यौहार के आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। शांति समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के साथ बैठक कर विस्तार पूर्वक सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई, किन किन रूटों से जुलूस को निकाला जाएगा, उन रूटों में क्या क्या व्यवस्थाएँ करने की आवश्यकता है, फिर चाहे वो बिजली हो, पेयजल हो, सड़क की मरम्मति हो, लाउड स्पीकर्स हो, जनरेटर्स हो, तो माइक्रो प्लानिंग कराते हुए सभी रूट्स पर कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने अपने अधिकारियों को हम लोगों ने आदेशित कर दिया है। त्यौहार और चैती दुर्गा का भी त्यौहार अभी लगातार 3-4 दिनों तक है, जिसमें कि मंगलवारी जुलूस है, अष्टमी की झांकी है, नवमी का जुलूस है, चैती दुर्गा के विसर्जन का जुलूस रहता है। इसको लेकर के प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी की है और लगातार महावीर मंडल जो समितियाँ हैं, जो अखाड़ा समितियाँ हैं, उन सब के साथ कंटिन्यूसली बैठकें की गई हैं। 30 मार्च को रामनवमी की निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। 30 मार्च को मेन रोड में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 30 मार्च सुबह 8 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। रामनवमी को लेकर हम लोग ने रांची पुलिस के द्वारा बृहद पैमाने पर तैनात की गई है। बाहर से भी जवान यहाँ आए हैं ड्यूटी के लिए और अपने जिला के जो भी जवान हैं उन लोगों को भी हम लोग रिफ्रेश किए हैं। फिर जो भी संसाधन हम लोगों के पास है, सिलकेन है, लाठियां हैं, टीयर गैस के गोले हैं, वाटर कैनन की व्हीकल है, एम्बुलेंस गाड़ी है। रांची शहर में 29 मार्च को निकलने वाली झांकी के कारण कई रूट बदले गए हैं। रामनवमी और मोहर्रम और चैती दुर्गा को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि रांची शहर में रामनवमी को लेकर विभिन्न अखाड़ों से जो है झांकियां निकलती है और रांची के तमाम रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और रांची शहर में यानी 30 मार्च को सुबह 8 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक वाहनों की नो एंट्री रहेगी, यानी 1 बजे के बाद कोई भी बड़े वाहनों की एंट्री नहीं हो सकेगी। रांची ही नहीं, दूसरे जिलों में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। गढ़वा जिला अभी से भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन हर तकनीक अपना रही है। शहर की निगरानी के लिए नेत्रा ड्रोन की मदद ली जा रही है। पूरी तरह मुस्तैद है, एकदम निगरानी रखी जा रही है। इस क्रम में आज रांका चौक के घंटाघर के पास ड्रोन नेत्रा से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर रामनवमी में किसी तरह का हरकत करना चाहे तो उसको पुलिस से मुस्तैदी से कार्य कर निगरानी रखेगी। रूट के सामने पूरा से जो निर्धारित रूट है वही है, उसमें कोई भी परिवर्तन प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है न दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी बाइक रैली की बात कर रहे हैं, जो पूर्व में जो समारोह जो होते रहे हैं वही कार्यक्रम होंगे, नए कार्यक्रम की किसी प्रकार की अनुमति नहीं। रामनवमी को लेकर एक और जहां लोगों में उत्साह है तो पुलिस ने भी कमर कस ली है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पर खलल न पड़े। रांची से मनीष मेहता और अभिषेक के साथ गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।